गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सुबह का बज गया है 10:30। मैं हूं अभी घर पे। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है किशन बोरा, मेरा गांव का नाम है ज्योनाई। जिस गांव में रहता हूं उस गांव का नाम है कोलतुलारी, और कोलतुलारी से हो रही है ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो दोस्तों आज जो है ना, धूप बहुत मस्त धूप खिली हुई है, ये देख सकते हैं। ये आज धूप है बहुत ज़्यादा, तो बढ़िया लग रहा है। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बरामदे में, और ये देखिए बाहर का व्यू भी आपको दिखाएंगे कैसा है मौसम का मिजाज। ये भैया आज के मौसम का मिजाज पूरा देखने को मिलेगा, और ये देखिए पूरा हरियाली से जो है ना पटा हुआ है। दोस्तों आप भी बहुत चिलचिलाती धूप है, आप देख सकते हो बाहर बिल्कुल देखने से आँखें जो है खुद ब खुद बंद हो जा रही, क्योंकि धूप है बहुत तेज। कल भी ऐसी तेज धूप थी, तो शाम को बारिश हुई थी बहुत दबादब। आज भी ऐसी चिलचिलाती धूप है, तो शाम को बारिश फिर हो सकती है, क्योंकि आजकल चल रहे हैं श्राद्ध। बिल्कुल अनहाज हॉस्पिटल, क्योंकि जगह तबीयत खराब हुई थी, कल उसका कराया था ECG, आज ECG दिखाने जाना है। ये आ गया मेरा ग्राउंड, और ये हमारी छोटी सी मार्केट मुनिया डाक मार्केट, सुनसान पड़ी है। दोस्तों मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल की तरफ, सेंकोली। ये है गरुड़ गंगा, गरुड़ गंगा के ठीक सामने है ये हमारे खेत खलियान है। ये पुल जोड़ती है, ये पुल नदी के बीचों बीच है, ये एक दूसरे 2-4 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है, और महिलाएँ लगी हैं खेतों में, देख सकते हैं धान कटाई भी चली है, कि बहुत सारे लोगों ने धान मनाई भी हो गई है। कुछ लोग जो है भट वट और ये मधुआ काट रहे हैं, और कुछ लोग नीचे नदी में हैं और रेता बना रहे हैं। ये देखिए अभी इस तरफ तो हरा भरा ही है, बाकी और जगह कटाई लगभग लगभग हो चुकी है। चल रहा हूँ धीरे धीरे आगे हॉस्पिटल की तरफ। दोस्तों फाइनली मैं पहुँच गया सिलमतोली हॉस्पिटल वाले रास्ते पर। आप देख सकते हैं धान के जो पके वाले पौधे हैं ना, सारे लेट गए नीचे ज़मीन पर, और सारे धान झड़ गए हैं। देखिए ये बस फाइनली पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल के मेन गेट पर। ये है हॉस्पिटल का मेन गेट, ये है श्यामदा का घर, और ये बस आते आते और लेट हो गए हैं। ये है भैया हॉस्पिटल से, और इस घाटी का शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए। और ये है हॉस्पिटल, धान के खेत हरे भरे कुछ पीले हो गए हैं, कहीं पर धान कटाई हो गई है, और कहीं पर मड़ाई चल रही है, कहीं पर ये देखिए अभी धान खड़ा ही है। मैं हूँ मच्छियाबगड़, और सिलमतोली हॉस्पिटल के जस्ट बगल पे देख सकते हैं ये है पोंखरी गांव, और यहाँ आज बस भी आई हुई है, और बस में बहुत सारे लोग आ रखे हैं। और ये देखिए मैं दिखाऊँगा बस पोखरी और बंतोली के बीच में गरुड़ गंगा बहती हुई, और ये देखिए खेत लहराते हुए मिलेंगे धान के, बहुत सारी महिलाएं आपको खेत में मिलेंगे। देखिए महिलाएं धान काट रही हैं, यानी धान लवा रही हैं, और सब लोग व्यस्त हैं अपने अपने काम में, देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने धान तो मान भी लिए हैं। और ये देखिए ये रोड जाती है ठीक कफलडूंगा ग्वालदे हड़बगढ़, और कुछ धान मनाई भी चली है खेतों में लोगों की, ये देख सकते हैं बहुत गजब का व्यू। और आज धूप बहुत चिलचिलाती धूप भी दिख रही है, और ये है मौसम का मिजाज आपको देखने को मिल रहा है। फाइनली दोस्तों इस टाइम पर मैं हूँ गोलजू मंदिर के ठीक नीचे, उनके पैरों पर, गोलजू के पैरों पर, और गोलजू ने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया, आशीर्वाद ले लिया मैंने। और देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत हरी भरी श्यार आपको देखने को मिलेगी, इस हरी श्यारी में जो है ना महिलाएं धान लवा रही हैं, धान काट रही हैं, और जो धान पक चुका है उसको काट रही हैं। आप देख सकते हैं जो धान नहीं कट रहा है वो खड़ा है, और कुछ धान जो पका था वो नीचे गिर गया है, झड़ गया है बारिश से, उसमें नुकसान हो गया आप देख सकते हैं। और ये है भैया हॉस्पिटल से ठीक पीछे से, गोलजू के प्रांगण से ठीक इस शहरी का व्यू आपको देखने को। बंदरों का आतंक देख सकते हैं आप, बंदर चारों तरफ छाए हुए हैं, और कहीं पर भी फल सब्जी, इवन यहाँ तक कि धान झुंगरा मडुआ सब बर्बाद हो गई थी। जगह की तबीयत खराब, इसको दिखाया पहले सिलमतोली,
PSC में, फिर उसके बाद ले गए बैनास CHC में और इसकी हार्ट बीट इनबैलेंस हो रही थी, तो कल फिर ECG करवाया तो तब ठीक आ गई थी। फिर डॉक्टर ने दवा दी, आज ठीक है। आप देखते हैं एक दो दिन में कहीं का होता है प्रोग्राम दिखाने का, क्योंकि ये दिखाना ही पड़ेगा और हार्ट बीट का मामला है। भी आ गए हैं ये और गोविंद पहले से ही आया हुआ है। अब हमको निकलना है बैजनाथ की तरफ, क्योंकि आज हम गए नहीं सुबह से, इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। कि तेल में अदरक वाल चाह वो बड़े भी धर रहो। यो गोविंद भी आ गया है डिकू ठाकुर के, कहाँ जाती है हलबगढ़ जाती है क्या का बोल लूँ हलबगढ़। दोनों मिट्टिया साथ चलेंगे है भाई, चलो फिर चलो। अरे जल्दी जल्दी आ रहे बड़ा बड़ा, 45 घंटे लोग निकल रहे हैं। ये आ गए हमारे झालामाली वाले राव साहब, आ गए हमारे मित्र हैं ये, और बहुत अच्छे आदमी हैं और सुबह शाम बिल्कुल रहते हैं ग्वाले। और हम लोग पहुंच गए हैं बैजनाथ पे। अरे क्या कर रहे हो, ठोक भी दिया है बेटा, बहुत तेज आदमी है पूरा है। बापरे आज तो ये वाला हिस्सा भी पूरा ठोक दिया इन्होंने। ए गुड्डू क्या कर रहा है, रात में सोया नहीं था क्या? अच्छा ये है दोस्तों, नीचे की सेटिंग उतर गई है, ऊपर चले गई है पूरी, और प्रेम लगा है भाई ऊपर। अरे दारू क्या हो रहे हैं, ठीक है? क्यों कर रात भर यहीं था है। ये भैया पीछे से सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, ये है है। 7:15 का समय और देख सकते हैं गांव में बल्ब जल गए हैं और तारों की तरह बल्ब आपको टिमटिमाते हुए दिखेंगे। ये देखिए बहुत गजब का व्यू शाम का आपको देखने को मिलेगा। ये लोग खेतों से आ रहे हैं और धान काट के उसी घर, क्योंकि अभी आ रहे हैं धान वान काटने के बाद अभी पहुंचे हैं, बहुत लेट में आते हैं लोग आजकल, काम धंधा बहुत ज़्यादा होता है। फाइनली दोस्तों मैं घर पर पहुंच गया था दिन में ही, पर ब्लॉग नहीं बना पाया, अभी ब्लॉग बना रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज दिन भर का कार्यक्रम आपने देखा। जो मेरे चैनल पर पहली बार देख, चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले बेहतरीन वीडियो आप तक पहुँचे। इसी का साथ का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय कर्मभूमि।